एक घंटे में 10 मुलाकातें, अब शादी.com पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ। सन 1984 की सुबह का वक्त है, बरसात का मौसम है, 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। वैसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहल का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। पंडित जी, आपकी आतुरता साफ बता रही है कि आप भी कुछ कहने को इच्छुक हैं, हैं? और निमंत्रण की तो आपको कोई आवश्यकता है नहीं। मैं तो यही कहूंगा, कुछ तो पढ़िए कि लोग कहते हैं। अर्ज है, अर्ज है हमारी बेगम साहिबा के नाम, जो कभी हमसे इश्क फरमाया करती थी। क्या कह रहे हैं आप? आपकी बेगम साहिबा की सूरत हाल बता रही है कि ये सब उसी इश्क का नतीजा है। भाईजान आप भी। वैसे आप सबकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? जरूर जरूर कहिए, इरशाद। मोहब्बत सीखनी है तो ऐ नासे मोहब्बत करके देख। मोहब्बत करके मोहब्बत सीखनी है तो ऐ नासे मोहब्बत करके देख। किनारों से कभी अंदाज़े तूफान नहीं होता। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, ये है, ये है, ये बहुत अच्छे, बहुत अच्छे है। अर्ज है जी, मुझे दे दे, मुझे मुझे दे दे रसीले होंठ, मासूमाना पेशानी, हंसी आंखें, कि मैं भी एक बार फिर रंगीनियों में गर्क हो जाऊं। मेरी हस्ती को तेरी एक नजर आगोश में ले ले, मेरी हस्ती को तेरी एक नजर आगोश में ले ले, हमेशा के लिए इस दाम में महफूज हो जाऊं। ज़ियाए हुस्न से ज़ुल्मात दुनिया में न फिर आऊं, ज़ियाए हुस्न से ज़ुल्मात दुनिया में न फिर आऊं। गुज़िश्ता हसरतों के दाग दिल से धुल जाएं, मैं आने वाले गम की फिक्र से आजाद हो जाऊं, मेरे माजी और मुस्तकबिल सरासर महव हो जाएं, मुझे वो एक नजर, वो एक जावेदानी सी नजर दे दे। वाह, मुझे वो एक नजर, एक जावेदानी सी वाह नजर दे दे। शुक्रिया। बहरहाल लेकिन आप सिर्फ इन्हें दे दीजिए और किसी और मौलवी साहब को मत दे दीजिए। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के। वीरां है मैं कदा, वीरां है मैं कदा, खुमो सागर उदास हैं, वीरां है मैं कदा, खुमो सागर उदास हैं, तुम क्या गए, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के।
फुर्सत गुनाह मिली वो भी चार दिन, फुर्सत गुनाह मिली वो भी चार दिन, देखे हैं हमने हौसले पर परदिगार के, देखे हैं हमने हौसले पर परदिगार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के। बेगाना कर दिया दुनिया ने तेरी याद से, बेगाना कर दिया तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, दोनों जहां Dad, come quickly. बत में हार के। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैंस, भूले से मुस्कुरा थे वो आज फैंस, भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैंस, मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के, मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के, दोनों जहान ते मोहब्बत में हार के। भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैंस, भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैंस, भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैंस, मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के, मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, दोनों जहान तेरी। मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैंस, मत पूछ वलवले दिले ना करदा कार के। दादा जान, मेरे अब्बू को आपसे इतनी नाराजगी क्यों थी? क्या तुमने कभी उनसे पूछा? उन्होंने क्या जवाब दिया? उनके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है। मुझे इज्जत नहीं प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। देखिए दादा जान, मैं एक बात बोलूं, मेरे अब्बू जान कहते हैं कि प्यार पाने के लिए प्यार करना भी पड़ता है, और उनका ये मानना है कि आपके पास फुर्सत कम थी।
हाँ आपने खुदा की खिदमत करने के लिए फुर्सत थी, लेकिन उनके लिए नहीं। और वो ये भी कहते हैं कि आपके दिल में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के लिए सच्चा प्यार नहीं, आपको अपने धर्म, अपने गॉड से ज्यादा प्यार है। और उनके दिल में आपके खिलाफ सबसे बड़ी शिकायत ये है कि जब दादी जान की तबीयत इतनी खराब थी, तब आप उन्हें छोड़कर लोगों की खिदमत करने निकल पड़े। क्या ये जरूरी था? उस वक्त आप दादी जान के पास क्यों नहीं रहे? बेटी, पहले इल्जाम में हाँ कुछ सच है, लेकिन दूसरे इल्जाम में सच बिल्कुल नहीं है। तीसरे इल्जाम में इतना सच है, इतना सच है कि मैं उस सच को लेकर आज तक अपने आप को क्या खुदा को भी माफ नहीं कर पाया। लेकिन बेटी, सबसे बड़ा सच तो ये है, सबसे बड़ा सच तो ये है कि जितना प्यार मैं अपने माइकल से करता हूं, उतना मैं अपने खुदा से भी नहीं करता। रुको। अरे नहीं रुको, चलो कहाँ मर गई? रफ्तार दो रफ्तार। कहाँ जा रहे हो? उधर से रास्ता नहीं है। अरे देखो आगे क्या होता है। नहीं नहीं, रहनुमा साहब, मेरी सुस्ती सिर्फ किचन तक महदूद है, वरना तो। वरना क्या, शुक्र करो पूरा जोर नहीं लगाया मैंने। पूरा जोर लगाते तो भी क्या होता, जोर का जवाब जोर से देती, क्या समझे? ठीक है अब बात हो, मैं इतना जोर मत लगाओ, कभी खामोश भी रह सकती हो। क्यों, तुम क्या चाहते हो? खामोश रह के मैं शायरा की तरह इन नजारों का मजा लूं? जिंदगी के पिछले 19 सालों से इन नजारों का मजा ले लेके मैं बोर हो चुकी हूं। अब मुझे कुछ और चाहिए। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी। माइकल एक बात बताओ, ये दोनों दरवेश कौन थे, कहां से आए? मालूम नहीं, मैं तो यहां 25 साल से रह रहा हूं लेकिन उन्हें कभी नहीं देखा। वो नीचे पगडंडी पे वो दरख्त दिख रहा है? दिख रहा है ना, चलो देखते हैं पहले कौन पहुंचता। मैं पहुंचूंगी और नहीं, 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 कोई सी पहुंचूंगा तो पहुंचूंगा तो पहले मैं। नहीं ये मैं नहीं होने दूंगी। भूले से मुस्कुरा तो दिए थे वो आज फैंस, भूले से मुस्कुरा फैंस। मत पूछ वल वले दिले ना कर दकार के, मत पूछ वल वले दिले ना कर दकार के। यही स्पीड है। जवान है मोहब्बत, हसी है जमाना, लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। पादरी साहब, एक आखिरी कबाब बचा है,
क्या ख्याल है? ख्याल ये है कि आप अगर मुझे पादरी साहब की बजाय मेरे असली नाम से पुकारती तो शायद मैं कबाब खा भी लेता। ये कबाब खिलाने के लिए इतनी बड़ी लालच नहीं होगी। चलिए यूं ही खा लेता हूं। ऐसे मेरा नाम जेम्स है। जवां है मोहब्बत, हसी है जमाना। बहुत याद आती है उनकी। हाँ। बहुत खूबसूरत थी। हाँ। उन्हें शायरी का शौक था। उन्हें जिंदगी का शौक था। तुम्हारे शोहर का इस वक्त यहां नहीं है। कोई बात नहीं, मैं वापसी में उठा लूंगा। तुम ठीक तो हो ना? जी। लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवां है मोहब्बत, हसी है जमाना। लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना। लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। ये किस फिल्म का गाना है? अनमोल घड़ी का। गाया किसने है? नूरजहां ने। और किसने? और हीरो शायद सुरेंद्र। शायद क्या, सुरेंद्र नाथ है मेरा फेवरेट। जवां है मोहब्बत, हंसी का खजाना। आराम से मेरी हंसी, आराम से। देखो ना, हम पुराने जमाने को कितना याद करते हैं। चालीस साल पहले ये फिल्म आई थी और हमें आज तक याद है। रामू की माँ, इस गीत को हम कितना याद करते हैं, कितने प्यार से गा रहे हैं। जवां है मोहब्बत, हसी है जमाना। ये तो सिर्फ फिल्म का गाना है। ये सोचो, हमारे मौलवी साहब पाकिस्तान में रहकर मसूरी को कितना याद करते होंगे। जवां है मोहब्बत, हंसी है जमाना। तेरा ये गाना सुनकर तो ना जवान भी शर्मा जाएंगे। ये क्या कातिलाना तुम मीना।
तुम भी क्या? अरे संभल के। अरे रुको तो। मैं अपने आप को संभालूं या तुम्हें संभालूं? जवान है मोहब्बत, मुझे 40 साल पीछे ले आई तू। हमारे बड़े मामू यानी मौलवी साहब, जब भी उनके सामने कोई आपका नाम ले ले तो वो खामोश हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते वो। अच्छा एक बात बता, आज भी उन्हें फैज की शायरी पसंद है? जी दादा जान, अभी फैज साहब की तबीयत जरा नासाज है, इसलिए बड़े मामू उन्हें मिलने जाते हैं। खूब चलती है गुफ्तगू दोनों की। खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। सही कहा। बल्कि जब फैज साहब जेल में थे तब भी बड़े मामू उन्हें मिलने जाया करते थे। तो शायद उन्होंने फैज से मेरा भी जिक्र किया होगा। जरूर किया होगा। बेटी, शायरी जो है वो सबसे वफादार साथी है, बाकी तमाम साथी अपना रिश्ता तोड़ देते हैं, लेकिन शायरी एक ऐसी चीज है जो हमेशा अपने रिश्ते को कायम रखती है। शायरी फैज की हो तो सोने पे सुहागा। बेटी, मैं जब अमेरिका गया था ना, और मुझे तन्हाई का बहुत शदीद एहसास हो रहा था, जब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी तो फैज की ये गजल हमेशा मुझे सुकून दिलाती रही, राह दिलाती रही, और ये गजल मैं हमेशा अपने दिल के पास रखता हूं। इसका उन्वान है, दर्द आए दबे पांव, दर्द आए, देखिए बुढ़ापे में मैं गलत पढ़ रहा हूं, चश्मे का नंबर बदलना पड़ेगा। दर्द आएगा दबे पांव, दर्द आएगा दबे पांव, और कुछ देर में जब फिर मेरे तन्हा दिल को फिक्र आएगी कि तन्हाई का क्या चारा करे, दर्द आएगा दबे पांव लिए सुर्ख चराग, वाह, दर्द आएगा दबे पांव लिए सुर्ख चराग, वो जो एक दर्द धड़कता है कहीं दिल से परे, वो जो एक दिल धड़कता है कहीं दिल से परे, शोला है दर्द जो पहलू में लपक उठेगा, दिल की दीवार पे हर नक्श दमक उठेगा, हल्का जुल्फ कहीं, वाह, हल्का जुल्फ कहीं गोशाए रुखसार, कहीं हिजर का दश्त, कहीं गुलशन दीदार, कहीं लुत्फ की बात, कहीं प्यार का इकरार, कहीं दिल से फिर होगी मेरी बात, क्या है दिल, है दिल, ये जो महबूब बना है तेरी तन्हाई का, ये जो महबूब बना है तेरी तन्हाई का, ये तो मेहमा है घड़ी भर का चला जाएगा, इससे कब तेरी मुसीबत का मदावा होगा, मुश्तहिल हो कि अभी उठेंगे बहशी साए, ये चले जाएगा रह जाएंगे बाकी साए, रात भर जिनसे तेरा खून खराबा होगा, जंग ठेरी है कोई खेल नहीं है दिल, जंग ठेरी है कोई खेल नहीं है दिल, दुश्मन जहां है सभी सारे के सारे कातिल, ये कड़ी रात भी, ये साए भी, तन्हाई भी, दर्द और जंग में कुछ मेल नहीं है दिल, बेटी ये सुनिए, दर्द और जंग में कुछ मेल नहीं है दिल, लाओ सुलगाओ कोई जोश गजब का अंगार, तैश की आतिश जर्रार कहाँ है, लाओ वो दहकता हुआ गुलजार कहाँ है, लाओ जिसमें गर्मी भी है हरकत भी तवानाई भी, हो न हो
अपने कबीले का भी कोई लश्कर मुंतजिर होगा अंधेरे की फसीलों के उधर। वाह, हो ना हो अपने कबीले का भी कोई लश्कर मुंतजिर होगा अंधेरे की फसीलों के उधर। इनको शोलों के रज अपना पता तो दे देंगे, इनको शोलों के रज अपना पता तो दे देंगे। खैर हम तक ना वो पहुंचेंगे भी, खैर हम तक ना वो पहुंचेंगे भी, सदा तो देंगे, सदा तो देंगे। दूर कितनी है अभी सुबह बता तो देंगे, दूर कितनी है सुबह बता तो देंगे, दूर कितनी है सुबह बता तो देंगे। और कुछ देर में लुट जाएगा हर बाम पे चांद, अक्स खो जाएंगे आईने तरस जाएंगे, अर्श के दीदा नमनाक से बारी बारी सब सितारे सरे खाशाक बरस जाएंगे, सब सितारे सरे खाशाक बरस जाएंगे। आस के मारे थके हारे शबिस्तानों में अपनी तन्हाई समेटेगा बिछाएगा कोई, आस के मारे थके हारे शबिस्तानों में अपनी तन्हाई समेटेगा बिछाएगा कोई, बेवफाई की घड़ी तर्क मता रात का वक्त इस घड़ी अपने सिवा याद ना आएगा कोई, और तर्क दुनिया का समा खत्म मुलाकात का वक्त इस घड़ी है दिले आवारा कहाँ जाओगे। तो आप इसी किस्म के ख्यालों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं करती जी? क्या वाहियात बात कर रहे हैं आप, मैं भला मसूरी कैसे छोड़ सकता हूँ? गुर्बत में हूँ अगर हम, दिल रहता है वतन में।